भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई है इस मूवी की, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे हैं। हम लोग आए हैं आज क्यू सिनेमा, और अभी देखें अभी सारा सिनेमा हॉल खाली है। तो नया आईपैड लेके दिया, कैसे कहती मेरी पिक्चर जरा मुझे एयर ड्रॉप तो कर दो। ये तो हम देखने नहीं आए, तो हमने पैसे नहीं दिए। भाई अंदर इतनी शदीद किस्म की सर्दी लग रही है, ये वाला गाना नहीं लगा, बीच में खड़े होकर नाचने लग गई। मूवी को रेट करना तो आप कितना रेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मानूर फारूक। वेलकम टू अ न्यू डे विद द न्यू ब्लॉग। तो आज हम सुबह सुबह ही मतलब सुबह सुबह उठ चुके हैं जल्दी आज। ओहो मक्खियाँ कहाँ से आ गई। आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई है इस मूवी की, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी देखने जाएंगे। तो ऊपर से एमन भी आई हुई थी, एमन वांट्स टू सी, तो हमने कहा चलो यार और फिर आज प्लान बना ही लेते हैं। परसों का प्लान बना हुआ था, आज चलते हैं। नाउ टुडे इज़ द डे कि हम लोग आज जा रहे हैं, कोई वही वाली मूवी, वही जो आप समझ गए हैं, जो आजकल बहुत हिट हुई है, रेड एंड जूलियट हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, फटाफट से रेडी होते हैं। एक चुटकी बजा के ये हो गए हम रेडी। आई विश रेडी होना भी इस चुटकी की तरह आसान होता, लेकिन हमें घंटा लग गया तैयार होने में। एंड आई एम रेडी। और एक तो ना ब्लॉग के चक्कर में मैं आपको अपना फिट नहीं दिखा पाती हूँ, और ये मक्खियाँ पता नहीं आज कहाँ से आ गई हैं। और अब बस हम पापा का वेट कर रहे हैं, शुक्र है धूप थोड़ी कम हो गई है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बंदे को मतलब हौसला हो रहा है। लेकिन मैंने बाल अच्छे खासे स्ट्रेट किए थे, पता नहीं क्या उनको हो गया। खैर नेवर माइंड, अब हम निकलते हैं और आपको साथ साथ अपनी मूवी की अपडेट्स देते रहते हैं। ये दोनों भी जो है ना वो रेडी हो रही है, और मेरा मजाक उड़ाई जा रही है। देखें दोनों कैसी हो गए हैं, सेम पागल तो नहीं हो गए। आगे पापा आगे। गाइस हम लोग आ चुके हैं, पापा जरा गाड़ी पार्क करते हैं। हम लोग आए हैं आज क्यू सिनेमा मूवी देखने। भाई एम्पोरियम वाली मूवी देख देख के हम लोग थक गए थे, तो अब हम लोग आए हैं जरा क्यू सिनेमा मूवी देखने के लिए। यहाँ से हम एंटर होने लगे हैं, हम देखने आए हैं ये, हम देखने आए हैं जट एंड जूलियट थ्री। देखो वहाँ पर पोस्टर भी लगाया था, यही वाली मूवी है जो हम देखने आए हैं अभी। हाँ तुम फिर तंग कर जा रही हो, बदतमीज़ बच्ची। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ अपने एरिया में, अब जरा हम अपनी स्क्रीन ढूंढ लें हमने किस स्क्रीन में जाना है। अब्दुल्ला कैसा लग रहा है? इट्स सो स्ट्रेंज कि हम मूवी शुरू होने से पहले आ गए हैं, वरना हमेशा हम पहले आए हैं, बस हम हमेशा लेट ही रहते हैं। ये देखिए सारे जो है ना बैठ चुके, अबिया बैठ जाओ आराम से, यहाँ पे सारे बैठ चुके हैं। और सारा अभी देखें अभी सारा सिनेमा हॉल खाली है, लगता है तुम लोग ज्यादा ही जल्दी आ गए। इवन वहाँ पे भी ऐसे सिनेमास वगैरह हैं कि नहीं? ऐसा कुछ ऐसा है, इतना प्यारा ही होता है कि मतलब ओके ही है बस। जिसमें हम गए थे ना वो ओके ही था, लेकिन अगर आप मॉल्स वगैरह में जाना, मॉल्स वगैरह में ऐसे मतलब हम जैसे स्पेसिफिक सिनेमा के लिए आए हैं, तो मतलब वो बहुत छोटू सा था। बारबी हमने बारबी मूवी कोई नहीं देखी, इतनी कोई वैसे बकवास मूवी नहीं देखनी, भी बकवास मूवी गई थी। क्या है क्यों हंस रहे हो तुम सारे, क्यों हंस रहे हो? मेरी पिक्स मुझे एयर ड्रॉप करनी है अपने। हाँ इसको नया आईपैड लेके दिया, कैसे कहती मेरी पिक्चर जरा मुझे एयर ड्रॉप तो कर दो। शाबाश बेटा, छोटी जिन्नी इसकी उम्र में मुझे ये भी नहीं पता होता था कि आईफोन क्या होता है ना, इसकी उम्र में तो हमें ये भी नहीं पता था कि भाई क्या होता है आईफोन, मोबाइल क्या होता है, हमें वो भी नहीं पता होता था। लगता है बस हम लोग ही आए मूवी देखने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हॉल में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। अब्दुल्ला और एमन ऊपर ठहर के बैठ ही कहते हैं, यहाँ थोड़ा इशू ना हो जाए हम जरा ऊपर ठहर के बैठ जाते। चलो खैर तारा मेरा आगे जो भी बैठेगा ना, मैंने ऐसी टांगे रखनी है बेचारे के लिए। फ्रिया इधर रहेगी, फ्रिया क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना है। गाइस मूवी स्टार्ट हो गई है, ये तो हम देखने नहीं आए थे, इसके तो हमने पैसे नहीं दिए, ये तो हम देखने नहीं आए। I'll never forget my first day in waterfront town. इसके तो हमने पैसे नहीं दिए। When I ran off on my computer. हमारे साथ प्रैंक हो गया, हम लोगों के साथ प्रैंक हो गया, देख लो ये वाली मूवी, ये तो हमने नहीं देखी अभी। हाँ ये तो तुम्हारे टाइप की मूवी है एमन, तुम्हें हम ये वाली मूवी दिखाएंगे मार्वल स्टूडियोज जिसका हमने भी एक भी पार्ट नहीं देखा हुआ, पता नहीं कौन सा पार्ट होगा। आई होप अच्छी मूवी हो, क्योंकि हमने रिव्यूज तो बहुत अच्छे सुने हैं। लेट्स गो, कैमरा बंद करते हैं और मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। क्या बढ़िया है, अब मोर्शी जी किसे मैं देने क्रेडिट थाने जो आए हैं, नवी भर्ती है आज ज्वाइन। तेरी भैन ना तेरा भाई, तू कर ला पासे पुठा सिद्ध, जे तू नची ना मेरे ना गोरी ए ते शराब।
यहाँ पे हो गया था इंटरवल तो इसलिए हम लोग आ गए हैं बाहर अब पॉपकॉर्न वगैरह लेने के लिए। अंदर मुझे इतनी सर्दी लग रही है और पॉपकॉर्न बहुत सर्दी लग रही है। ये पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेने के लिए आए हैं, देखते हैं हमने कौन से लेने हैं। कैरेमल हैं, सॉल्टेड हैं और वो सारे हैं। यहाँ पे जो है हमने पहले पॉपकॉर्न ले लिए हैं। थैंक यू तो मूवी से हम लोग फ्री हो गए हैं। अब हम जाने लगे हैं घर वापस और बहुत भाई अंदर इतनी शदीद किस्म की सर्दी लग रही थी ना कि आप ना ही पूछे। मैं ऐसे ऐसे सुकर सुकर के बैठी हुई थी और हम लोगों ने मूवी देख ली है ना। अच्छी मूवी थी, लाइक मतलब मज़ा आया भाई। अभीहा ने सही मज़ा किया मूवी में, ठीक है। दो चेयर्स के ऊपर आराम से जा के दोनों पे लेटी हुई थी और फुल इसने मज़े किए। कैसे लगी आपको? अब हम सबको लगी हुई है इतनी ज्यादा भूख क्योंकि अब पेट में चूहे दौड़े वहाँ पे। मैंने वैसे पॉपकॉर्न वगैरह खा लिए थे, इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन भूख तो लगी हुई है ना। और ये जो इतना ज्यादा नजर वटू मेरे मुंह पे आके बैठ गया, इतना बड़ा सा पिंपल निकल आया मुझे जो बिल्कुल सामने गेस्ट की तरह आके बैठ चुका है। इनको भी चैन नहीं है यार, वेले बैठे बैठे मुंह पे आके बैठ जाते हैं। देखते हैं हमने क्या खाना है। और अभीहा मुझे इतने गंदे तरीके से पता नहीं क्यों देख रही है। अभीहा ने वहां बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा, मतलब जितना जितना कोई तंग कर सकता था ना अभीहा ने उससे ज्यादा तंग किया। आप इतना ज्यादा लगा बैठे हुए पापा की सीट पे, पापा गए हुए हैं हमारी खाने पीने की चीज। आ गया हमारा खाना, आ गया। इतना हैवी था कि वो मुझसे और फ्रिया से तो कंप्लीट हुआ ही नहीं ना, मतलब हम दोस्त शेयर कर रहे थे और वो मुझसे फ्रिया से बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ। हमने वो पैक शैक करा ली है और अब खाना खाने के बाद वो जो वो मस्त वाली नींद होती है ना, आंखें बंद हो रही है मेरी ऐसे ऐसे। बस घर जाते साथ ही हम लोगों ने सो जाना है। भैया तुम वहाँ पे कौन सा गाना सुन के आई हो? वो वाला जो तू नचे हाँ ऊपर से, पता है मम्मा जब भी शुरू जब ये वाला गाना नहीं लगा बीच में खड़े होके नाचने लग गई। हाँ ये बीच में खड़े होके डांस करने लग गई। भैया लगता है सारी मूवी ना बस आप ही देख कर आई हो। सर मूवी को रेट करना तो आप कितना रेट करेंगे? 9 9 तुमने कितना रेट करोगी? मैं भी 9। प्रिया तुम कितना रेट करोगी? 9। मैं अभी हाँ कितना रेट करोगी? 10 में से 9। मम्मा आप? 10 में से 9। 10 में से 9। और अगर मैं मूवी को रेट करूँ ना तो मैं इसको रेट करूंगी 10 में से 7 क्योंकि नो डाउट मूवी अच्छी थी। मूवी के गाने ही सुपर हिट थे, मतलब मुझे लगता है कि मूवी की गाने मतलब मूवी हिट होने की जो मेन वजह थी ना वो उसके गाने थे। तो स्टोरी लाइन इज लाइक नॉर्मल रैंडम जिस तरह कुछ यूनिक नहीं था स्टोरी में लेकिन गाने नो डाउट बहुत अच्छे थे। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो हम आपको भी सजेस्ट करेंगे तो फिर देखें आप भी जरा ठंडी ठंडी हमारा सिनेमा में खा कर आज। अच्छा मजे की बात ये है कि हम जट एंड जूलियट 3 देख कर आए हैं लेकिन हमने 1 और 2 तो देखी नहीं हुई थी। तुमने देखी हुई है? 4 दफा देखी है वो। मैंने तो नहीं देखी हुई, तुम्हें समझ नहीं आई उसकी? तुमने भी नहीं देखी हुई ना? समझ नहीं आई उसकी? क्या समझ नहीं आई? हमें क्या पता कि पिछली स्टोरी तो कुछ रिलेट तो नहीं कर रहा था। सब कुछ रिलेट कर रहा था, पूरी स्टोरी उसके मुताबिक थी। अच्छा ये तो वाली बात भी है एंड पे, ये भी था एक स्पॉइलर आपको दे देते कि जट एंड जूलियट 4B आएगा क्योंकि उन्होंने एंड पे एक थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि भाई अगला पार्ट भी आएगा। अगले बंदे को पैसा मिले ना तो वो क्यों ना कमाए, पैसा ही पैसा होगा। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।